रविवार को लक्ष्मी नगर मार्केट में स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें संचालक द्वारा लगभग 10 लाख का नुकसान होना बताया गया है। रविवार को लक्ष्मी नगर मार्केट सुपेला में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां के जगदम्बा ज्वेलर्स में आग भड़क उठी। दुकान संचालक द्वारा महज 6 दिनों से ही दुकान का संचालन किया जा रहा था। ये दुकान पहले किसी अन्यत्र जगह पर स्थापित थी और संचालक ने महज 6 दिन पहले ही अपने कारोबार को इस दुकान में शिफ्ट किया था, परंतु दुकान संचालक की बदकिस्मती ही कहिए कि दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब तक दुकान संचालक आग बुझाने के लिए कुछ कर पाता, उससे पहले गैस से भरा सिलेंडर, जिसे वे घर ले जाना चाहते थे, वह भी अचानक फट पड़ा और इस आगजनी में दुकान संचालक का सब कुछ जलकर राख हो गया। दुकान संचालक द्वारा लाखों रुपए से ऊपर का नुकसान होने की बात कही गई है और इस आगजनी में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा नाम राहुल सोनी है। राहुल जी, आपके दुकान में आग लगी, किस तरह से लगी आग और कितना नुकसान हुआ? मेरे दुकान में आग लगी, 10-11 बार लगभग नुकसान हो चुका है मेरा, और आग जल लगी, अचानक से आग पकड़ ली। मैं उसको बुझाने के लिए बहुत कुछ किया, उसके चक्कर में हाथ और चेहरा पूरा जल गया, और उसको बुझाते मैं नहीं बुझा पाया, तो मैं पिताजी बोले कि चलो हटो, खींच के बुलाए, तो अब हो गया जो होना था। अब पूरा मैं दुकान के सामान छिटा गया। जब घर ले जाने, जब सिलेंडर में रखा था वहाँ पर, तो सिलेंडर को मैं पर्ची कटा के लाया था, मैं बोला कि मैं ला कर मैं रख देता हूँ, घर लेके जाऊँगा, और घर जाकर रखा तो मैं उसमें उसमें भी धीरे से मतलब पकड़ लिया। अब उसके पकड़ने चक्कर में मेरे लोग खींच के लाए, अब वो मतलब कुछ आधा घंटा बाद वो भी ब्लास्ट हो गया। तो अभी शासन प्रशासन से क्या क्या मदद चाह रहे हैं? मैं सर, मैं तो उसको मैं 10 साल से बहुत मेहनत किया था उस दुकान से, मेहनत करके बहुत मैं उसको मैं एक लाला का मैं सजाया था, वो एक भी कुछ हाथ में नहीं मिला, सब सब उड़ गया। वो कितने दिन हुए थे दुकान खोले? मैं दुकान में खोले में 10 साल होता, दुकान को मैं दूसरी दुकान में से 4 दुकान बाद चेंज किया था, उसमें आए मेरे को 6 दिन हुआ था, और 6 दिन बाद ये घटना घट गई। 6 दिन बाद ये दुर्घटना ऐसा हो गया, अचानक से कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो गया क्या नहीं हुआ। अब मेरे होश ही नहीं था मेरा, तो वहाँ पर तो ऐसे टाइप के हो गया। फायर ब्रिगेड कितने समय बाद आई? फायर ब्रिगेड मतलब वहाँ कम से कम आधा 1 घंटा बाद ही आई, मतलब 1 घंटा बाद ही। मतलब फायर ब्रिगेड लेट आया? नहीं, आधा घंटे बाद ही आ गया वो, मतलब छत का जली रहता था नीचे, तो हम लोग बुझा चुके थे पानी फेंक कर, लेकिन दोस्तों मेरा हालत ख़राब हो गया था कि मैं अब कैसे क्या करूँगा, मेरे पास तो इतनी बुरा वक्त आ गया कि अब मेरे को कुछ काम धंधा ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सुपेला थाने में इस मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने घटना की जानकारी दी एवं सुपेला थाना पुलिस के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पीड़ित दुकान संचालक को कुछ मुआवजा दिलाया जा सके। कल दिनांक 9/1/2000 के लगभग 2 बजे का दिन की बात है कि लच्छी मार्केट सुपेला में स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग जल गई, जिसे वहाँ पर रखे घर ले जाने के लिए घरेलू गैस, उसमें अचानक आग पकड़ लेने से सोना चांदी के जेवरात और फर्नीचर वगैरह इत्यादि दस्तावेज जल गया है, जिससे नुकसान हो गया है, और जिस पर आसपास के लोगों द्वारा बुझाया गया और फायर ब्रिगेड के द्वारा भी बुझाया गया, जिस पर काबू पा लिया गया है। अभी उस पर अभी जाँच की जा रही है, जांच जारी है। प्रार्थी द्वारा कितने का नुकसान बताया गया? प्रार्थी द्वारा अभी तक के नुकसानी में 10 लाख का नुकसान बताया गया है। जगदम्बा ज्वेलर्स के संचालक राहुल सोनी ने भी अपने दुकान को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया, जिसमें उनका चेहरा और हाथ झुलस गया है। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर तो काबू पाया, पर उस समय तक राहुल सोनी अपना सब कुछ गंवा चुके थे। देखना होगा कि सुपेला पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करते हुए दुकान संचालक को कितना मुआवजा दिलाया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।